स्प्राइट है भैया? नहीं है। किसने कहा भैया? किसने कहा? तुम्हें चाहकर भी न चाहे, करे जो मन मानी है मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस कंटेंट व्लॉग। और गाइस ये वाला व्लॉग सुबह सुबह हम लोगों ने कितने बजे स्टार्ट कर दिया, 5:58 में स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारा ये वाला व्लॉग है भाई। ट्रिप के साथ स्टार्टिंग होगी सारे व्लॉग की। और जैसे कि मैंने बताया नहीं था, सस्पेंस रखा था कि कौन जा रहा है मेरे साथ और कहाँ जा रहे हैं हम। भाई हम लोग जा रहे हैं मथुरा, ठीक है, बहुत ही प्यारी जगह है। और मैं जा रहा हूँ सिद्धार्थ के साथ, जो दोस्त है मेरे सिद्धार्थ, उसके साथ जा रहा हूँ। पहले मैंने कन्फर्म नहीं हो पा रहा था किसके साथ जा रहे हैं किसके साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है। जब से उसका सुबह कॉल आया ना मेरे पास कि भाई उठ जा चलते हैं, मैंने कहा पक्का कन्फर्म है वो जा रहा है ना। मैंने कहा तो भाई कान्हा जी की नगरी ही बोला जाता है, और इतने सारे मंदिर है वहाँ पर, प्रेम मंदिर, बहुत सारे मंदिर, वो भी घूमेंगे मस्त। और अभी तो पहले मम्मी लोग मेरे लिए वो बना रहे हैं, क्या बोलते ना, कुछ खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, पूड़ी वगैरह, और पूड़ी है ना बस, पूड़ी और भिंडी की सब्जी तैयार हो रही है। भाई अब फटाफट से भाई शूज डालता हूँ, ठीक है, और अम्मा बहू का आशीर्वाद लेते हैं एंड देन निकलते हैं। तो गाइस चलो अम्मा बाबू का भी आशीर्वाद ले लिया, फटाफट शूज डालते हैं एंड देन निकलते हैं। शूज भी डाल लिए मैंने, और मैं अपने भाइयों से मिल लूँ एक बार। ये देख रहे हो मस्त दोनों में क्या प्यार चल रहा है। हेलो, ये देख रहे हो दोनों मस्त सोने में लगे हैं। चलो अब निकलते हैं, और भाई 6:40 पे ट्रेन है, 15 मिनट लेट है, लेकिन हम लोग को जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को अभी टिकट भी लेने हैं जनरल कोचेज के। तो फटाफट से जल्दी चलते हैं, सिद्धार्थ को मैंने बुला लिया है, पापा छोड़ देंगे हम लोगों को और निकलते हैं फिर भाई अपनी मथुरा वाली राइड पे। भाई चलो भाई टाइम हो चुका है निकलने का, और सिद्धार्थ भैया भी आ गए हमारे, और अब भाई निकलते हैं, ठीक है ना। मम्मा बाय बाय, पापा बाय बाय, मम्मी बाय, चलो पापा बाय बाय, पापा बाय, फोन में लगे हैं देख रहे हो, बाय बाय, हर्षित दिव्यांश बाय, दीदी दीदी बाय बाय, चल बाय, गिर गए मम्मा, बाय बाय, चलो ठीक है, मिलते हैं अभी 2-4 दिन बाद। गाइस तो सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं, और भाई सिद्धार्थ की मतलब हमारी बचपन से दोस्ती थी, और उसके बाद यह हमारी पहली ट्रिप है, जिंदगी की पहली ट्रिप है ना साथ में दोनों की। इसके घर वालों ने मेरी वजह से जाने दिया, मेरे घर वालों ने इसकी वजह से जाने दिया, हमारा ऐसी कुछ सीन था। और अब तो निकलते हुए मज़े करेंगे अब तो फुल, और ब्लॉग भी करेंगे। जो याद में लगे अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। गाइस चलो स्टेशन पहुंच गए भाई, और जल्दी से टिकट लेते हैं पहले यार। गाइस टिकट भी मिल चुका है हम लोगों को, ये इतना छोटा सा टिकट, इसे 2 जने लद के जाएंगे हम, सिद्धार्थ भी और मैं भी, और प्लेटफॉर्म नंबर लिखा भी है उस पे 2 जने, हाँ मतलब यही है एडल्ट, ये लिखा तो है 2, और भाई सिद्धार्थ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है सिद्धार्थ। तो और भाई देखो हम मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और भाई क्या सनराइज़ हो रहा है भाई, कितना प्यारा, वाह भाई मज़ा आ गया। और मेरे चेहरे पे इतनी प्यारी सनराइज़ पड़ रही है ना, इतना गोरा लग रहा हूँ अभी तो मैं, मुझसे गोरा कोई होगा ही नहीं अभी इस टाइम पर तो भाई। और भाई पहले भी जाकर पहले चूहा बाबा की मज़ा रहे, उनका आशीर्वाद देना है, क्योंकि भाई वो उनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है, मेरे भाई भी उनको ही मानते हैं और मैं भी उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरी फेवरेट फैमिली मानती है उनको बहुत ज़्यादा। और गाइस ये चूहा बाबा की मजा, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और सब मैं क्या सभी लोग मानते हैं भाई, सभी लोग, ठीक है। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको दिल से, और मेरे ख्याल से बरेली में भाई सभी लोग जानते होंगे इनको, सिद्धार्थ भी जानता है ना। और भाई यहीं से सभी का भला करें भाई, सभी का, और मेरी हमारी यूट्यूब फैमिली है जो छोटी सी, उनका ही भला करें, और बस यही चाहते हैं भाई हम तो दिल से, सभी की तरक्की हो। चलो चलते हैं भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, यहाँ से ऊपर से साथ। अभी हम लोग आकर भाई खड़े हो गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और यहीं पर ही आएगी ट्रेन, उस तरफ को आएगी मतलब। और भाई वो सुपर फास्ट ट्रेन है एक तो, मतलब बहुत कम स्टॉपेज हैं उसके, मतलब मेनली मेरे ख्याल से 4 से 5 हॉल्ट होंगे उसके। भाई हमें इतने पूरे भरे स्टेशन के एक छोटी सी जगह मिली, और बहुत प्यारी सी जगह मिली, तो यहीं बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, भोजीपुर आ चुकी है ट्रेन,
और तब तक यहीं बैठ के इंतजार करते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 6:46 हो रहा है। आ जाएगी अब 10 मिनट में आ जाएगी। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, ठीक है, और चलो चलते हैं अंदर। भाई भीड़ तो बहुत ही है इसमें, हमें लग नहीं रहा था कि भाई इतनी भीड़ होगी। तभी हमने जनरल का टिकट कर लिया था, इसीलिए तो स्लीपर का नहीं करवाया। गाइस चलो भाई, यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और ट्रेन चल चुकी है हमारी आजाद नगर रेलवे स्टेशन से, लेकिन भरी हुई है भाई, पूरी पूरी भरी हुई है। बैठने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णागिरी की जनता आ रही होगी ना, और पूर्णागिरी की जनता के कारण भाई थोड़ा सा फिर दिक्कत तो होती है। पता ही आप लोगों को, पहले पूर्णागिरी की भी ट्रिप करी है तो देखा ये किस तरीके से भीड़ होती थी, और वही भीड़ इस टाइम पर भी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बरेली सिटी या बरेली जंक्शन में खाली हो जाएगी। हम दूर भागे तेरे बिना, गाय हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना। भाई देखो निकलते ही हम लोगों ने ये चीज ले ली भाई, कि सर दर्द हो रहा था इसका भी और मेरा भी, तो मैंने कहा ले ही लेते हैं भाई, कुछ तो खा लें। मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कासगंज, ठीक है, और यार कुछ खाने को देखते हैं, भूख भी लग रही है। मैं खाना तो लेकर आया, वो भी खाएंगे मस्त, और पकौड़ी वगैरह यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है तो लेते हैं आगे जाकर, और कुछ ठंडा भी लेते हैं। तो गाई हम कोल्ड ड्रिंक लेने आ गए हैं। स्प्राइट है भैया? नहीं है हाँ भैया, किसने कहा भैया, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? अरे दो दो दो, पकौड़ी ब्रेड पकौड़ी। स्प्राइट नहीं है भैया? यानी कहा स्प्राइट है नहीं यार, जो हमारी फेवरेट है मैं वो मिली नहीं रही है। चलो भाई पकौड़ी ले ली हम लोगों ने, और पता है बंदा फालतू कह रहा है, कह रहा वीडियो नहीं बनाऊ, कह रहा वीडियो मत बनाऊंगा। सच्चाई है भाई, वो सही बोल रहा है, अलग ही लेवल लेवल वाले भाई ये लोग, अकल तो है नहीं किसी चीज़ की, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनको एक्सपोज कर दूंगा, और चीज़ें तो महंगी बेचते ही हैं ऑब्वियस सी बात है। और भाई ट्रेन चल रही है हमारी, जल्दी आ जाओ सिद्धार्थ आराम से, ला ला ला। खाना पीना हो गया हमारा, और यार कुछ सामान यहाँ पर सिद्धार्थ भाई लेकर आए हैं, जैसे किशमिश, हेल्थी चीज़ें, हेल्थी चीज़ किशमिश, नमकीन, और उठ गया भाई उठ गया, बैठ जा बैठ बैठ भाई, मज़ा आ रहा है यार, लेकिन पूरा दिन भी खराब हो गया, ठीक का पूरा भी लग रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है। ना सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। हम लोग पहुंच गए भाई मथुरा, मथुरा कैंट, और सभी लोग अभी हम लोग एक्चुअली बुआ लोग भी आए थे ना यहाँ पर, तो बुआ लोग उसे मिलने को कह रहे थे, मैं वहीं ढूंढ रहा हूँ उनको, अभी मिल जाएंगे तो बढ़िया ही है, ये सिद्धार्थ है अपना भाई साथ में। तो गाइस देख रहे हो राव साहब पहुँच चुके हैं यहाँ पर हमारे साथ। हेलो राव साहब, कैसे हो? इस टाइम हो रहा है 10:56, और भाई मथुरा जंक्शन कह रहा हूँ भाई, मैं जंक्शन के बाद कैंसिल हो गई ट्रेन, कैंट पर है हम लोग, और अब भाई ऑटो पकड़ते हैं, और मतलब कोई धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी तो वहाँ चलते हैं, पहले मुँह हाथ धोते हैं मस्त। ऑटो रिक्शा से उतर चुके हैं, और भाई अब हम लोग जा रहे हैं बड़े बस स्टैंड जो कि यहाँ पर है, यही है बड़ा बस स्टैंड, और यहाँ से पकड़ेंगे भाई वृंदावन के लिए बस। तो भाई देखो इलेक्ट्रिक बस मिल गई, यही बढ़िया भाई मस्त है, इससे ही चलते हैं भाई। अच्छा है करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। बस से उतर चुके हैं हम लोग, और भाई मजा आ गया बस में, लेकिन और अभी जाएंगे पहले पहले कोई रूम वगैरह ढूंढेंगे, एंड देन उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, है ना। होटल तो हमें मिला नहीं अभी तक, और हम अभी एक जगह पे आए हैं, वो दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, ये देखो सामने, इसका नाम नहीं पता, और नाम कुछ है ही नहीं भाई इसका, ठीक है ना। ये एक महल टाइप का था, पुराना महल जिससे बंदर अंदर लटके हुए हैं, और कितना प्यारा लग रहा है, और कितना पुराना लग रहा है ये, देख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। मैं चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम।
सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना। यार यहाँ पर बंदरों का बहुत ज्यादा हंगामा है जैसे अयोध्या में था जैसे पता ही आप लोगों को। और ये पता है कि ये मंदिर है एक्चुअली गोलू देवता का और ये अभी इस टाइम पे बंद है। दिखाऊंगा आप लोगों को लेकिन अभी अच्छे से दिखाऊंगा जब खुल जाएगा। देन अभी चलते भाई होटल देख ले भाई तो फटाफट से अब ठीक है। अब होटल देखना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना हर ज़्यादा गर्मी हो रही है। आखिरकार जाके भाई एक रूम मिल चुका हम लोगों को और वो भाई इतनी मुश्किल से ना हद हो गई भाई उसके पीछे इतना लड़ना झगड़ना पड़ा उसे। लड़ना झगड़ना तो कहीं भाई पैसे देने थे आना था लेकिन भाई हम एक चीप रूम यूज़ करना चाह रहे थे वो हमें मिल गया अच्छा खासा। भाई देखो कुछ इस तरीके का रूम है यहाँ पर सिद्धार्थ भाई हैं हमारे मस्त डबल बेड है दोनों सोएंगे यहाँ पर हम और एसी है लेकिन भाई चलेगा टेंशन मत लो। टीवी है मस्त और यहाँ पर वॉशरूम है ये यार वॉशरूम सही होना चाहिए था जो चेक करते कैसा सही है भाई वॉशरूम भी मस्त है गीजर भी लगा है मस्त। नाना दोनों हो चुका है इस छोटे से कमरे में ठीक है ना मतलब जो आज के लिए हमारे पास बस। और अभी भाई यहाँ पर खाने पीने का भी कुछ इंतजाम है हम लोग जो घर से लाए थे मैं लेकर आया था वो तो हम लोगों ने ट्रेन में ही खा लिया बैठ के मस्त। और ये देखो जाली है भाई कूड़ा है पीछे यार देख रहे हो हम तो सोच रहे थे कोई अच्छा मिल जाता लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना ये देखो ये चलो कोई बात नहीं अभी भाई एक नीचे पर्ची लेनी पड़ती है देन ऊपर फिर खाना खाने जाना पड़ता है तो चलो चलते हैं भाई पर्ची वगैरह लेते हैं खाना पीना खाते हैं तो गाइस चलो चलते हैं भाई। और ये है पर्ची भाई इसका भोजनालय की पर्ची ये लेकर आए भाई सब दो जने को आए अनलिमिटेड फूड। तो गाइस हमारा गर्मा गर्म खाना आ चुका है पापड़ आ गया भाई रोटी आ गई चावल आ गया और पनीर वगैरह जो भी सब्जियाँ हैं सब आ गई हैं कढ़ी आ गई रायता आ गया सारी चीज़ें आ गई हैं इसकी भी आ गई भाई साहब की देख रहे हो कैसे बैठा हुआ देख रहा है। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत ठीक है चलो जल्दी से खाना खाते हैं हैं अच्छा थैंक यू। हमारा मस्त खाना पीना हो चुका है और भाई प्लेट हम लोग को यहाँ रखनी पड़ती हैं अपने आप ठीक है ना झूठे बर्तन यहाँ रखो आप स्वयं आज मैं बिल्कुल प्योर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और भाई ये तो बहुत मस्त मस्त चीज़ें आने वाली है पहली बात तो इस वाली ट्रिप में बहुत ज़्यादा मस्त मस्त आने वाली है नहीं आने वाली सिद्धार्थ भाई बहुत मस्त चीज़ें आने वाली है बस बने रहना और अगर मैं सारी चीज़ें उसमें दिखा दूँगा इसी ब्लॉग में तो फिर बाद में मज़ा ही क्या रहेगा है ना और ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए पर वीडियो को लाइक कर देना चैनल नए को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना बस फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय।